Class 8, now we are continuing with your square and square roots. Now if you consider a number with a unit digit 5, आप समझते हैं unit की digit 5 है और जो tens की digit है वो a है, तो आपको उसका square पता करना है. तो a 5 का whole square, उसको हम breakup कर लेते हैं into 10a plus 5, क्योंकि जो tens की place में है digit उसको 10 से आप multiply करते हैं, तो आपको ये मिल जाएगा 10a plus 5 का होल स्क्वायर. अब उसके लिए आप पहले 10a को आप 10a plus 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 को 10a plus 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में होता है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10a into 10a बराबर 100a square plus 10a into 5 is equal to 50a. Here again 5 into 10a is equal to 50a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. अब ये जो बीच का जो आपका जो यू जो डिजिट्स हैं वो 100a हो जाएंगी, तो आपके पास क्या बचा होगा, 100a स्क्वायर प्लस 100a प्लस 25. अब आप ये जो दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं उसमें 100a कॉमन ले लीजिए, तो पहले एक्सप्रेशन में a बचेगा प्लस दूसरा तो 100a था तो प्लस 1 हो गया प्लस 25. तो अब जो है आपके पास क्या आ गया, a प्लस 1 इंटू 100. ओके, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब इंटू. तो अगर मान लीजिए आपके पास प्लस 25, तो मान लीजिए कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे ये है 15 है, तो 15 में यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 1, तो आप इंटू क्या कर देंगे, उससे एक नंबर ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 25, आपको इसका स्क्वायर मिल जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 200 इज इक्वल टू 200 प्लस 25 इज इक्वल टू 225. इसी तरह 95 है, टेंस की प्लेस में 9 है, तो 9 इंटू उससे एक नंबर ज़्यादा 10 हंड्रेड, तो 900 10 हंड्रेड 10 इंटू 10 हंड्रेड 9 इंटू 10 हंड्रेड कितना हो जाएगा, 900, दैट विल बी 90 हंड्रेड, राइट. तो 90 इंटू 100 इज इक्वल टू 9000 प्लस 25, तो इसका आपको स्क्वायर मिल गया 9025. इसी तरह 105 है, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1100 दैट इज इक्वल टू 1100 इंटू 10 11000 प्लस 25 11025, ये इसका स्क्वायर हो गया 105 का. 205 का 20 इंटू 21 100 दैट इज़ इक्वल टू, एंड प्लस 25 विल बी 21 टू ज़ा 42, ये हो जाएगा 42000 प्लस 25, तो 42025. दिस इज़ अ शॉर्टकट टू फाइंड आउट द स्क्वेयर्स ऑफ नंबर्स विच आर एंडिंग इन 5. सो नाउ वी कम टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. पाइथा पी वाई टी एच ए गोरियन जी ओ आर ई ए एन ट्रिपलेट्स. अब यू सपोज यू हैव गॉट थ्री नंबर्स, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 विच इज द स्क्वायर ऑफ 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर. सो दिस कलेक्शन ऑफ 3, 4 एंड 5 इज नोन एज पाइथागोरियन ट्रिपलेट. 6, 8 एंड 10 इज ऑल्सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बिकॉज 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 which is the square of 10. So therefore 6, 8 and 10 are also Pythagorean triplets. Now 5, 12 and 13. 5 square plus 12 square is equal to 169 which is the square of 13. So this 5, 12 and 13 is also a Pythagorean triplet. There are more such triplets. तो अगर कोई भी नंबर है आपके पास, नेचुरल नंबर आप जानते हैं ना, जो ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, कोई भी नंबर एम है मान लीजिए जो कि 1 से ज़्यादा है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनेगी, 2m का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. So 2m, m square minus 1 and m square plus 1, they form a Pythagorean triplet. तो आपके पास कोई भी एक नंबर है m मान लीजिए, तो आप उसका डबल कर दीजिए,
फिर उसके स्क्वायर में से एक निकाल दीजिए, फिर उसके स्क्वायर में एक जोड़ दीजिए, तो आपको तीन नंबर मिल जाएंगे। अब राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब आप ये देखिए 2m में m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मान लीजिए एक एक नंबर है m, तो उसका डबल तो 2m है, उसके स्क्वायर में से आपने एक निकाल दिया और एक तीसरे नंबर में एक जोड़ दिया, तो सबसे छोटा ये नंबर होगा m स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको हम अभी देखते हैं। अच्छा, अब जो है हमारे पास ये तीन नंबर हो गए, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हैं। अगर हम m स्क्वायर माइनस 1 को 8 लेते हैं तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8। इसको आप माइनस 1 को इधर ले आइए राइट हैंड साइड में, तो 9 हो जाएगी, तो m की वैल्यू हो गई 3 और 2m हो गया 6 और m स्क्वायर प्लस 1 हो गया 10। तो अभी जो है 6, 8 एंड 10, लेकिन 8 उसमें सबसे छोटा नहीं है, इसका मतलब हमने ये गलत निकाला। अब हम ट्राई करते हैं 2m को, तो 2m बराबर 8 लेते हैं, m इज इक्वल टू हो जाएगा 4, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा m का 4 का स्क्वायर 16, माइनस 1 इज इक्वल टू 15 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 17। तो इसका मतलब है कि 8, 15 और 17 में 8 सबसे छोटा पड़ रहा है, इसलिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट सही हमने निकाली है, 8, 15 और 17। सबसे छोटा नंबर आपका जो है वो 2m होगा, क्योंकि स्क्वायर तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मैंने आपको कंफ्यूज किया है, तो यहाँ ध्यान रखिए कि 2m वाला नंबर सबसे छोटा होगा। अब आप एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताइए जिसमें एक नंबर जो है वो 12 है, तो m स्क्वायर माइनस 1 को 12 ले लीजिए, m स्क्वायर हो जाएगा 13। अब 13 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो होल नंबर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, तो इसलिए ये गलत है। तो अब हम m स्क्वायर प्लस 1 को 12 लेते हैं, तो फिर m स्क्वायर 11 आ जाएगा, क्योंकि 12 माइनस 1 करेंगे जब आप तो वो 11 आ जाएगा, तो वो भी गलत हो जाएगा, इंटीजर नहीं आ रहा स्क्वायर रूट 11 का। तो हम 2m को 12 लेते हैं, तो m कितना हो गया 6, m स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 6, 6 36, माइनस 1 35 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा 37। तो ये जो रिक्वायर्ड ट्रिपलेट हो जाएगा वो जाएगा 2m बराबर 12। याद रखिए m मत निकाल लीजिएगा, उसको पहला मेंबर जो है वो 2m है ना कि m, तो पहला मेंबर हो गया 12, दूसरा 35, तीसरा 37। तो ऑल द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मे नॉट बी ऑब्टेन्ड यूजिंग दिस फॉर्म। फॉर एग्जांपल अनदर ट्रिपलेट 5, 12 एंड 13 आल्सो हैज 12 एज अ मेंबर बट नॉट एसेंशियल दैट दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सो हियर यू कैन सी दैट If you find out 12 square plus 35 square will be equal to 37 square. This is the Pythagorean triplet. इसका मतलब क्या है 12, 35 और 37 का? इसका मतलब है 12 square plus 35 square will be equal to 37 square. दो छोटे नंबर को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो किसके बराबर आएगा? जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के बराबर। अब आते हैं जो है, अब ये जो है वो आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स पे ज़्यादा जो है अप्लाई करता है। अब आप तो आते हैं 6.2 पे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आप इसको ब्रेकअप कर लीजिए 32 को, 30 प्लस 2 का होल स्क्वायर। आपको मैंने एक फार्मूला भी बताया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2ab, 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2, इससे आप सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। 35 का 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 86 में 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर, 93 में 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 71 में 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 46 में 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये आप आसानी से कर सकते हैं, आई होप। नाउ राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6।
तो एक मेंबर क्या है, सिक्स है, इसका मतलब टू एम जो है वो सिक्स है, तो एम कितना हो जाएगा थ्री, तो एम स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, थ्री थ्री से नाइन प्लस वन टेन, और माइनस वन हो जाएगा, नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएगी, सिक्स एट और टेन। इस तरह फोर्टीन में टू एम इज इक्वल टू फोर्टीन, तो एम इज इक्वल टू सेवन, एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू सेवन, सेवन से फोर्टी नाइन प्लस वन इज इक्वल टू फिफ्टी, एंड एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू सेवन, सेवन से फोर्टी नाइन माइनस वन इज इक्वल टू फोर्टी एट। तो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया, फोर्टीन एंड फोर्टी एट एंड फिफ्टीन, सिमिलरली इन सिक्सटीन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, एंड फॉर एटीन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट, फॉर एटीन यू कैन फाइंड इट आउट एज टू एम इज इक्वल टू एटीन, एम इज इक्वल टू नाइन, सो एम स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, नाइन ज एटी वन, प्लस वन इज इक्वल टू एटी टू, एम स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू नाइन, नाइन ज एटी वन, माइनस वन इज इक्वल टू एटी, तो ट्रिपलेट हो गई आपकी एटीन एटी वन एंड एटी टू, सिक्सटीन का आप खुद निकालिएगा तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट। तो ये तो हो गया आपका स्क्वेयर्स के बारे में, अब आते हैं हम स्क्वेयर रूट्स के बारे में। स्क्वेयर रूट आपको कैसे निकालना होगा, आप एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हैं ना, साइड इनटू साइड होता है, तो अगर आपको एरिया दे रखा है तो आप साइड निकाल सकते हैं उसका स्क्वायर रूट निकाल के, कि ये नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर है। अब जैसे एरिया दे रखा है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड क्या हो जाएगी उसकी, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, तो हो जाएगा 11, क्योंकि 144 इज़ द स्क्वायर ऑफ 11, और आंसर में अब 7 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि अब एक ही साइड रह गई है, पहले सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया में, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास एक स्क्वायर है ए बी सी डी, और उसमें आपको दे रखा है साइड उसकी है 8 सेंटीमीटर, चारों साइड 8 सेंटीमीटर हैं, इसका मतलब है अब आपसे पूछा गया है डायगोनल क्या है इसका, तो आप क्या निकाल लेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, दिस इज़ द फॉर्मूला, सो एट स्क्वायर प्लस एट स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, सिक्सटी फोर प्लस सिक्सटी फोर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, वन एट ट्वेंटी एट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब 128 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर आपको ऐसा हो रहा है कि पॉइंट में आंसर आ रहा है, जस्ट राइट स्क्वायर रूट 128। स्क्वायर रूट का आप देख रहे हैं कैसे लिखा जाता है, सीधी लाइन करके और साइड में यू मेक अ कर्व्ड काइंड ऑफ लाइन, सिमिलरली इफ यू हैव गॉट दिस राइट एंगल ट्राइंगल इन विच यू नीड यू नो द बेस एंड द एल्टीट्यूड और द टू लेग्स एंड द हाइपोटेन्यूज इज टू बी फाउंड आउट और यू हैव बीन गिवन द एल्टीट्यूड दैट इज 3 सेंटीमीटर एंड द हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। रिमेंबर जो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होगा ट्राइंगल में, 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप 25 और 3 के स्क्वायर को 9 को आप इधर लेफ्ट में ले आइए या कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट विल कम आउट टू बी 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 16 इज द स्क्वायर ऑफ 4, सो देयरफॉर साइड एक्स विल बी 4 सेंटीमीटर। अब आते हैं हम स्क्वायर रूट्स को कैसे निकालना है, आपने यहाँ तो आपको अंदाज़ा से आपने बता दिया कि भाई 144 11 का है, याद कर लिया आपने 20 तक के नंबर, याद रहे आपको याद रहेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। अब 1 का स्क्वायर इज़ 1, इसलिए स्क्वायर रूट 1 हो गया, 2 का स्क्वायर इज़ 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। अब मान लो आपके पास 9 स्क्वायर इक्वल टू 81 है, तो माइनस 9 के स्क्वायर क्या होगा, माइनस 9 इंटू माइनस 9 दैट इज इक्वल टू प्लस 81, तो हम कह सकते हैं कि द रूट ऑफ 81 का स्क्वायर रूट जो है 81 का वो 9 भी हो सकता है माइनस 9 भी हो सकता है,
लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही हमको डील करना है। तो अब 121 का क्या स्क्वायर रूट होगा? 11। 196 का 14। मैंने आपसे कहा था आप 20 तक याद कर लीजिए। यहाँ पे -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या इसका स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज -1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, यस। इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 4, यस। इज -9 स्क्वायर रूट ऑफ 81, यस। तो हर एक जो स्क्वायर होता है उसके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के दो नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और स्क्वायर रूट को किस सिंबल से डोनेट कर रहे हैं आप? इस सिंबल से, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 हो गया, और नॉट -2। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3। तो हम पॉजिटिव नंबर से ही डील कर रहे हैं। तो इस तरह से स्क्वायर रूट आप इस तरह निकालते हैं। अब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से आप कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट? आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट जो है 81 का आपको निकालना है, तो आप उसमें से इसका जो स्क्वायर रूट है वो जो है वो कैसे आएगा? आपने जितने ऑड नंबर से उनको आप ऐड करते हैं, अगर 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन। अब आपको उल्टा देखना है, तो आप 81 में से जितने ऑड नंबर्स हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाइए, -1 फिर -3 -5 -7 जो आ रहा है उसमें से, -9 फिर -11 -13 -15 एंड -17। जब 0 आ जाए तो आप देखिए आपने कितनी बार आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया है, 9 बार किया है, 9 स्टेप में 0 आया, तो रूट्स 81 विल बी इक्वल टू 9। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करते आए हैं जब आप निकालते हैं एलसीएम वगैरह, तो वो आप करते ही हैं। तो अगर एक प्राइम फैक्टराइजेशन 6 करेंगे तो 23 आएगा, उसके स्क्वायर का करोगे तो 2 दो बार आएगा और 3 दो बार आएगा। तो इन दोनों में से आप एक एक नंबर ले लेंगे 2 × 3, तो आपको किसका ये स्क्वायर है ये पता चल जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये आप करते आए हैं। अब आपको डिविजन्स आने चाहिए, टेबल्स आनी चाहिए। अब आप टेबल्स पे अटक नहीं सकते हैं, आई होप 9 तक की आनी चाहिए एटलीस्ट, और 20 तक आ जाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 2 1s are 2 कैरी 1, 2 6s are 12, 2 2s are 4, अगेन कोई भी नंबर 2 या 4 में एंड करता है या 0 में, कौन कौन से नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाते हैं? 0, 2, 4, 6 और 8। 5 से कौन से नंबर डिवाइड हो जाते हैं? हु एंड इन 5। इसी तरह टेबल्स में अगर कोई नंबर 1 में ऐड हो रहा है तो जो है वो 3 की टेबल में भी आता है एंड में, 2 3 7s are 21, देन 9 की टेबल में 9 9s are 81, 11 की टेबल में 11 1s are 11। तो आपको थोड़ा सा आपको ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कोई भी नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। 81 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है, ये नहीं कि आप 9 से डिवाइड कर दें इसको, आप 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2s are 6 कैरी 2, 3 7s are 21, देन 3 9s are एंड 3 3s are। तो आपके पास कितने पेयर्स हो गए? 2 × 2 3 × 3 3 × 3। आप इनमें से एक एक को ले लीजिए 2 × 3 × 3, तो वो आपको किस नंबर का स्क्वायर है वो मिल जाएगा। तो 3 2s are 6 6 3s are 18, तो आपको ये मिल जाएगा कि ये 18 का स्क्वायर है। तो आप इससे किसी भी नंबर से का आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो आपको जितने डिजिट्स हैं वो पेयर के फॉर्म में मिल जाएंगे, उसमें से आप एक ले लीजिए। अगर कोई भी एक बचता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 6400 मैंने आपको बताया था
कि अगर दो जीरोज़ हैं तो एक ज़ीरो रह जाता है स्क्वायर रूट में, और 64 किसका है, 8 8 64, तो 80 हो गया इसका आंसर। दो ज़ीरो को एक ज़ीरो कर दीजिए और फिर ये जो बचता है नंबर उसका आप निकाल लीजिए, किसका स्क्वायर है ये, तो 8 का है, तो आंसर हो जाएगा 80। अब 90 में क्या हो रहा है, उसका आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 × 3 × 3 × 5। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ 3 जो है वो डबल है, बाकी 2 और 5 अलग है, इट्स नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 2 3 5 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2 3 5 2 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द न्यू नंबर। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए और देखिए कितने नंबर्स पेयर में हैं, तो 2 भी है, दो बार तो 2 है, एक बार 7 है, लेकिन 3 जो है वो इट्स अलोन, सो देयरफॉर अब आप क्या करें, अगर उसमें हम 3 को मल्टीप्लाई कर दें तो वो 3 भी पेयर में आ जाएगा, तो इसके लिए आपको इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा फिर, 84 का, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर पेयर में नहीं है उस नंबर से जो दिए हुए नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होगा। नाउ फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द कोशेंट। तो जो है किस नंबर से इसको डिवाइड कर दें कि जो बचता है कोशेंट वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कोशेंट आप समझते हैं ना, एक होता है डिविज़र जिससे आप नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को डिवाइड कर रहे होते हैं वो डिविडेंड होता है, DIVIDEND, और डिविज़र DIVISOR, और जो आपको आंसर मिलता है डिवाइड करने के बाद वो कोशेंट कहलाता है, QUOTIENT, कोशेंट। जो अगर बच गया कोई नंबर तो वो रिमाइंडर REMAINDER। तो आप जानते हैं दैट डिविजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू द डिविडेंड, ये फॉर्मूला आप बचपन से छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं। नाउ वी कम टू लास्ट दिस क्वेश्चन, हम 9028 की बात कर रहे थे, आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा कि 3 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो बस ये बच जाएगा 2 × 2 × 2 × 7, दैट इज़ इक्वल टू 56। तो 56 इज़ द नंबर रिक्वायर्ड नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ हूज इज़ द परफेक्ट स्क्वायर 3136, बिकॉज यू हैव रिमूव्ड इट बाय 3, यू हैव रिमूव्ड द नंबर 3, जो बचा वो मल्टीप्लाई करके पूरे नंबर्स को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 7 × 7 = 3136, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 56। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 6, 9 and 15। अब जो 6, 9 और 15 जिसे डिवाइड कर देंगे वो क्या होता है, LCM होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और वो इन तीनों नंबरों से ज़्यादा होगा, तो आप LCM निकालिए इनका, आपको पता है LCM निकालना, तीनों नंबर लिख दीजिए फिर देखिए कौन से नंबर से तीनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, 2 अब 9 डिवाइड नहीं होता 2 से, उसको वैसे ही लिख लेते हैं, और ना ही 15 डिवाइड होता है, तो सिर्फ 6 डिवाइड हुआ, तो हमने वहाँ 3 कर लिया उसको, बाकी उतार लिए हमने 9 और 15। उसके बाद अब तीनों नंबर 3 से जा रहे हैं, तो अब 3 से डिवाइड करिए तीनों को, 1 3 5 आ गया, उसके बाद फिर 3 से कर दीजिए, तो 1 1 और 5 को वैसे ही उतार लीजिए, फिर 5 से कर लीजिए, तो अब इनका LCM क्या आ गया, 2 × 3 × 3 × 5। तो अब आपने क्या देखा, दैट इज़ इक्वल टू 90 क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, ये नंबर आ गया आपके पास, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
और इसके जो मल्टीपल्स आ रहे हैं 90 के, वो आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया हमने। अब सिर्फ 3 जो है वो पेयर में आ रहा है, 2 और 5 जो है दे आर रिमेनिंग एज अनपेयर्ड। तो 90 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इनको परफेक्ट, इनको पेयर्ड होना चाहिए, तो हम 5 इंटू 5 इंटू 2 कर देते हैं। तो 2 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 हो जाएगा। तो 90 इंटू 10 इज इक्वल टू 900। तो रिक्वायर्ड स्मॉल रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर विल बी 900। अब ये ध्यान रखिए कि 900 आ गया है, तो क्या ये इन तीनों नंबरों से नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? कौन कौन से नंबर थे? 6, 9 और 15। तो 6 भी चला जाएगा, 6 वन 6 30 6 5 30। ये जा रहा है उससे 9 जो है 100 टाइम्स और 15 6 टाइम्स 60 टाइम्स, राइट। तो ये भी ध्यान रखो कि जो आपने आंसर निकाला उससे ये तीनों नंबर क्या इसको डिवाइड कर पा रहे हैं, तभी आंसर सही है। यू कैन चेक आउट। अब आते हैं 6.3 पे एक्सरसाइज। What could be the possible ones digit of the square root of each of the following numbers? 1 का square root जो है 1 होगा, या 9 भी हो सकता है because 9 9 is 81। 6 का square 4 भी हो सकता है क्योंकि unit की place में जो number आएगा उसमें हो सकता है 4 हो, because 4 4 is 16 होता है और 6 6 is 36। तो ये end में जो first digit आएगा वो 4 या 6 आएगा। इसी तरह 1 में 1 और 9, और यहाँ पर 5 है तो 5 ही होगा बिकॉज 5 5 is 25। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। सो ऑल द नंबर्स विच एंड इन 3 7 and 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स, बट द वन विच इज एंडिंग इन 1 मे बी परफेक्ट स्क्वेयर। यू हैव टू फाइंड इट आउट। Find the square roots of 169 by the method of repeated subtraction. तो आप repeated subtraction कर लीजिए इनका और find out कर लीजिए। 100 और 169 है जैसे, तो पहले 1 निकालिए उसमें से, फिर 3, फिर 5 and so on। 13 step में आप देखेंगे कि answer 0 आ गया, तो इसका मतलब है this is the square, 169 is the square of 13। बाकी भी आप ऐसे ही करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको फाइंड आउट करना है, वो दैट इज़ इजी फॉर यू। तो 5 9 2 9 है जैसे, तो 7 से जा रहा है ये। देखिए कोई भी नंबर अगर आपको लग रहा है किसी नंबर से नहीं, तो आप टेबल ध्यान रखिए। तो 7 3 की टेबल में भी ये हो सकता है, 3 से डिवाइड करके देखिए नहीं हो रहा पूरा पूरा, तो 7 में हो सकता है। 7 से जा रहा है ये, 7 8 is 56 कैरी 3, 7 4 is 28 कैरी 4 एंड 7 7 is 49। इसी तरह फिर 7 से चला जाएगा, 7 1 is 7 7 2 is 14 7 1 is 7। अब ये 121 याद रखो ये 11 से चला जाता है, 11 1 is 11 कैरी 1, 11 अगेन 11 1 is 11। तो अब आपके पास क्या पेयर्स आ गए, 7 इंटू 11 इज इक्वल टू 77। इसी तरह बाकी भी करिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये कर लेते हैं, 2028 एक नंबर दिया हुआ है, उसका हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपका ये देखिए क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखिए ये 507 नंबर है या 169 है, तो आपको पता है ना 13 का स्क्वायर है 169, तो 13 1 is 13 कैरी 3, 13 3 is 39। तो 169 वगैरह 13 से जा सकते हैं। अब बच क्या गया आपके पास, 3। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो 2028 को,
तो ये हो जाएगा 6084, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द नंबर 78, राइट। नाउ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन्ड। अब ये जो है आपने ये ले लीजिए, आप 2645 ले लो, 2645 से दीजिए तो 529। अब ये 529 कौन से नंबर से जाएगा, तो अब 9 तो हो रहा है एंड में 13 से नहीं जा रहा, 23 से ट्राई करिए, 23 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 23 आ जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, पेयर तो आ गया 23 का, 5 बच गया है, तो आप 2645 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा आपके पास, यही 23 into 23 रह जाएगा, तो दैट इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 529 विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 23, ठीक है, इसका आ गया आंसर 23। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड रुपीज 2401 एंड ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ईच स्टूडेंट डिवाइडेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब मान लीजिए आपकी क्लास में 4 बच्चे हैं, हर एक ने 4 रुपये दिए, तो टोटल कितने हो गए आपके पास, 16 रुपीज। तो आपको पता करना है भाई बच्चे कितने थे, अगर जितना नंबर बच्चों का था उतने ही सब ने रुपये दिए, तो 16 रुपीज़ इकट्ठा हुए हैं, तो आप उसका स्क्वायर रूट निकाल लो 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि 4 बच्चे थे क्लास में। वैसे यहाँ पर है 2401 दिए और जितने बच्चे थे उसने उतने ही रुपए दिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 7 into 7 आएगा, निकाल के देखिएगा तो 49 बच्चे आएंगे। Now, 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows. जितनी आपके पास rows हैं उतने ही पौधे भी हैं, तो जैसे आपने 5 rows बनाई हैं, देखिए यहाँ पे आपने 1, 2, 3, 4, 5 और हर एक में पौधे कितने हैं, वह जितनी यहाँ 5 रोज हो गई, 1, 1, 2, 3, 4, 5 और आपने उसमें उतने ही पौधे लगा दिए 1, 2, 3, 4, 5 या यहाँ से लगाया आपने 1, 2, 3, 4, 5, तो जितने पौधे थे, जितने पौधे एक रो में थे उतनी टोटल नंबर ऑफ रोज थी, वही बात हो गई। तो आपको पता करना है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स, स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 2025 का, तो ये हो जाएगा 3 into 3 into 5 इज इक्वल टू 45 ही जो है रोज थी और हर रो में 45 पौधे थे। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 and 10, तो इनका आप एलसीएम निकालिए 4, 9 और 10 का, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। अब 180 का जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो आ गया 2 into 2 into 3 into 3 into 5, तो अब आपको पता करना है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो इनको डिवाइड कर दे, तो आप इसको 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ 80 into 5 मेक्स इट अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट इज 900। इसी तरह 8, 15 और 20 जो है वो कौन से स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर से डिविजिबल हैं, 8, 15 and 20 एलसीएम हो गया 120, उसके फैक्टर्स निकाल लीजिए तो 2 into 2 into 2 into 3 into 5, तो इसका मतलब है कि 5 into 3 into 2 दे आर ऑल सिंगल, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दें हम, या फिर हम 2 into 3 into 5 से मल्टीप्लाई कर दें,
तो 120 को अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 आ जाएगा. तो दिस विल बी द आंसर. So we continue with the square roots, how to find out square roots by division method and the rest.